चलो आज फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में थर्ड बता रहा है ना, एसिटोफिनोल कैन बी ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन, आज भी ले सकते हो। चलो देखो बेटा, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट तो हो गया ना, जैम डायहैलाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जैम ही होता है, CH3CCLCLCH3 है ना। हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक कार्बन पर दो OH आ जाएंगे, फिर पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, है ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ होगा। सेकंड हमने HIO4 का यूज पढ़ा है, क्लीवेज करके OH लगा दो। थर्ड में देखो ड्राई डिस्टिलेशन, ध्यान रखोगे जैसे ये CH3COO, इसका होल्ड प्राइस CA, ड्राई डिस्टिलेशन हीट करते हैं, लिखा होता है ड्राई डिस्टिलेशन, तो क्या बन जाता है CH3COCH3, है ना। तो CaCO3 निकल जाता है, CaCO-CO-COCH3Ca+2, तो CaCO3 निकलता है और CH3COCH3 बच जाता है, ठीक है। सेकंड अगर आप ये ले लेते हो, देखो CH3COO का होल्ड प्राइस CA, साथ में आप ले लेते हो C6H5COO का होल्ड प्राइस CA, ध्यान रखना इसका ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो देखो इसमें कई सारी प्रोडक्ट बनेगी, इसका CH3 ले लो, इसका बेंजीन ले लो, तो ये बन गया। दूसरा सिर्फ इसी का ड्राई डिस्टिलेशन होता तो क्या बनता, कीटोन बनता। सिर्फ इसका होता तो क्या बनता, ये सारी प्रोडक्ट इसके अंदर रहेंगी। क्लियर है, नॉट ऑडिबल, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? अमन लिख रहा है वॉइस नहीं आ रही है, क्लियर है? यस यस अमन बेटा, आपकी आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। तो थर्ड का आंसर सी पार्ट हो गया। चलो फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कौन सा पूछना है बेटा? ये हम कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस, बुकलेट का कार्बोनिल कंपाउंड, बुकलेट का कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर फाइव सिक्स आ रहे हो गए, चलो फिफ्थ बता दो, एसिटल और कीटल। बेटा एसिटल और कीटल क्या होता है, ये इसमें तो एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है एक ही होता है, ठीक है, CH3CH, ये तो एसिटल है, हेमी एसिटल, लेकिन एसिटल क्या होगा जिसके अंदर दो मिथॉक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप होंगे, ये क्या होगा एसिटल होगा सिंपल। सिक्स हो गया, हमने पढ़ लिया था ये, है ना, किस किस को सेव करते हैं, ग्रुप को सेव करने के काम कौन आता है, ठीक है। इसके बाद 7 to 12 कौन सा पूछना है, 7 to 12 पूछना है, ठीक है। 7 देख लो बेटा, इसके अंदर ये कौन सी रिएक्शन है, नाम बताओ जरा इसका, रिएक्शन का नाम क्या है जो सेवंथ है, सेवंथ में नई रिएक्शन कौन सी है, बैकमैन, बिल्कुल सही बात है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। दोबारा एक बार देख भी लो, तो पहली रिएक्शन तो तुमने पढ़ी हुई है भाई, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन, ठीक है, H2O ये निकल जाता है, पूरी मैकेनिज्म बताई थी मैंने, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये बनेगा ऑक्साइन NOH, ठीक है, ये ऑक्साइन बनता है और ऑक्साइन सिन और एंटी दोनों बनेगा, सिन और एंटी दोनों। देखो H और OH, सुनना ध्यान से, H और OH अपोजिट साइड होते हैं तो बोलते हैं एंटी, और H और OH सेम साइड होते हैं तो बोलते हैं सिन, सेम साइड होते हैं तो सिन। ये C डबल बॉन्ड N है, OH अलग, लोन पेयर अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और सिन और एंटी दोनों बनते हैं मिक्सचर ऑफ सिन एंड एंटी, ठीक है। इसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट ये है, ये तो एडिशन ऑफ ऑक्साइड है, बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है बेटा, जैसे सी आर डैश डबल बॉन्ड NOH है, अगर आप H प्लस की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या मिल जाता है, N एल्काइल अमाइड मिल जाता है, तो जो OH के एंटी होता है वो माइग्रेट कर जाता है, ये है बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्लियर है, बताओ 8 से 12 कौन सा पूछना है, 8 टू 12 10 पूछना है, ठीक है। 10 में क्या होता है, सुनो ध्यान से, देखो जैसे ये है
अगर इसको आप KMnO4 H+ के साथ हीट करोगे तो मैंने आपको बता रखा है पहले इसकी इनॉल फॉर्म बनाओगे फिर ऑक्सीडेटिव ओजेनोलिसिस कर दोगे। ऑक्सीडेटिव ओजेनोलिसिस करोगे क्या मैं एक दो तीन चार ये क्या बोलते हैं इसको ओम्स गैप एडिफिकेशन है ना ये बन जाता है लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्या दे रखी है सी एच थ्री है तो बी पार्ट आ जाएगा सी एच थ्री लगा दो हो जाएगा। KMnO4 के साथ हीट कर रहे हैं या K2Cr27 के साथ हीट कर रहे हैं या HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं एक ही काम है। इनॉल फॉर्म बनाओ पहले इसका इनॉल फॉर्म बना के ऑक्सीडेटिव ओजेनोलिसिस कर दो हो जाएगा। बॉन्ड तोड़ोगे इसका भी COH ये भी COH हो जाएगा क्लियर है। चलो आगे कौन सा पूछना है 11 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव डाइमिथाइल ग्लाइसल। देखो ध्यान रखना जैसे CH3CHO है SeO2 को मैंने आपको मना कर दिया नहीं करना चलो आ गया तो देख रहे SeO2 ये क्या करता है CO के बगल वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है ठीक है बगल वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा इसको बोलेंगे ग्लाइसल। ये बोल रहा डाइमिथाइल ग्लाइसल तो CH3CH2CO CH3 अब इसको आप करोगे तो CO के बगल वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो CH3CO CO CH3 इसको क्या बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइसल ठीक है इथाइलिन मिथाइल कीटोन से क्लियर है। SO2 वाला रिपीट कर दो एक बेटा CO के बगल वाले कार्बन को CO में ही कन्वर्ट कर देता है SO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड तो ये तो क्या मिल गया ग्लाइसल एसिटल्डिहाइड से ग्लाइसल मिल गया लेकिन ये लोग इथाइल मिथाइल कीटोन CO के बगल वाले कार्बन को CO में कन्वर्ट करेगा तो डाइमिथाइल ग्लाइसल मिल जाएगा क्लियर है। नेक्स्ट 12 हो गया होगा 13 14 15 बताना है 15 14 बताना है पहले एसीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पिनाकोल तो भाई ये तुम भूल गए एसीटोन इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं एमजी अमलगमेटेड जीन फिर H2O तो मिल जाता है पिनाकोल मिल जाता है। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई हुई है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नोट्स में है बच्चे लिख रहे नोट्स में है ना। और अगर आप ZnHgHCl से करें ZnHgHCl तो क्या करता है क्लेमेंसन रिडक्शन CH3COCH3 हो जाएगा ठीक है NaHGBA कर देगा। आगे नेक्स्ट 16 17 18 हो गए 16 17 18 तीन हो गए यस हो गए सबके ओके 15 पूछ रहे हो 15 देखो बेटा 15 में ध्यान रखना दो CO के बीच में जो कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है ज्यादा ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन तो भाई आंसर बिल्कुल सही है इसका पहला फर्स्ट इसके बाद फोर्थ के बाद सेकंड के बाद थर्ड CO के से अटैच कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होता है ध्यान रखना। सर 12th करा दो 12th में SiO2 है बगल वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आगे 17 हो गया 18 हो गया है ना ये तो आपको रट गए होंगे वैसे भी कहने जा रहा हूं रेलडोल बहुत प्रैक्टिस की है हमने। 19 से लेकर 23 तक कौन सा 20 बताना है देख लो 20 चलो 20 बताया तो 21 भी बताया कोई बात नहीं। ये देखो CHO और ये NO2 है ये रिएक्शन आपकी परकिन रिएक्शन याद करो CH2COOCOCH2 ये और ये क्या है साथ में बेस है ये बेस है CO माइनस CH2CO माइनस है। अब बेस क्या करेगा बेटा ये हाइड्रोजन को हटाएगा ये जाके यहाँ जाके अटैक करेगा इसकी मैंने मैकेनिज्म बताई हुई है तुम्हें तो ये CO माइनस H होगा ये CH यहाँ बेंजीन आ गया ये CO OCO और CH2 ये आ गया ठीक है भाई परकिन आ ये रिएक्शन है परकिन थोड़ी देर में सही हो जाएगा कोई नहीं लगे परकिन रिएक्शन
परकिन रिएक्शन में क्या होता है, देखो हमने ये पढ़ी थी सिंपल परकिन, ये थी सिनेमिक एसिड बनता था, है ना, एसिडिक ओ आया होगा तुम्हें, ओ। अच्छा 22 कौन सी रिएक्शन है, रिफॉर्मेटिस का रिएक्शन करा दिया था हमने, है ना, हो गया था। चलो अब बताओ 19 से 23 कोई पूछना है, 19 से 23 कोई पूछना है, कौन सा? नो सर, 25 पूछना है, ठीक है 25। मेटा फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बेटा? मेटा फॉर्मेल्डिहाइड होता है ट्राइमर ऑफ, इसे लिख लो, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड होता है ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसको ट्राइऑक्सोन भी बोलते हैं, लिख लेना ट्राइऑक्सोन भी बोलते हैं, CH2O ट्राइऑक्सोन, ठीक है ट्राइऑक्सोन, अगर आप ट्राइमर बनाओगे 3HCHO, ठीक है ट्राइमर, तो इसे बोलते हैं मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चर आएगा ट्राइऑक्सोन, नोट कर लो ट्राइऑक्सोन, नोट कर लो, ठीक है। अगर सुनो ध्यान से, अगर पॉलीमर बनाओगे NHCHO ले लोगे तो ये बन जाता है CH2O, N, इसको बोलते हैं बेटा पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, नोट कर लेना नोट्स में भी, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, अगर N मोल लोगे इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। इसी तरह से अगर हम 3 मोल एसिटाल्डिहाइड के लेते हैं 3CH3CHO कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो इसका ट्राइमर बनेगा बेटा ध्यान रखोगे CH3 और O, इसको बोलते हैं पैराल्डिहाइड, लिख लेना पैराल्डिहाइड, 3 मोल CH3CHO के तो पैराल्डिहाइड बोलते हैं, अगर 4 मोल लेते हैं CH3CHO के, लिख लेना 4 मोल CH3CHO के लेते हैं तो बन जाता है मेटा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड, सुन लो ध्यान से, 4 मोल एसिटाल्डिहाइड के तो मेटा एल्डिहाइड, 3 मोल एसिटाल्डिहाइड के तो ये कंपाउंड से क्या बोलेंगे पैराल्डिहाइड, और 3 मोल HCHO के तो ट्राइऑक्सोन या मेटाल्डिहाइड, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, है ना ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको ट्राइऑक्सोन, ध्यान रखना, या मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, और मेटा फॉर्मेलिटी तुम्हें याद करना पड़ेगा ये, ठीक है नोट कर लो इसको। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये अगर 6HCHO की रिएक्शन अमोनिया से होती है तो क्या मिलता, याद है कराया था मैंने CH2 का होल 6N4, क्या बोलते थे नाम बताओ इसका, CH2 का यूरोट्रोपाइन, बिल्कुल सही है, इसका नाम क्या होता था यूरोट्रोपाइन, यूज्ड एज यूरिनरी डिसीज और यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, लिख लेना यूरोट्रोपाइन, यूज्ड एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक, बेटा याद ही करना पड़ेगा इनको, है ना, कैसे कहते हैं याद रख लेना इनको, ये मेटा पैरा, है ना ध्यान रखोगे इसको, तो लिख लिया है। अच्छा अगर इसकी रिएक्शन हम HNO3 से करा देते हैं तो बन जाता RDX, RDX की फुल फॉर्म बताओ, ये RDX बन जाता है, RDX की फुल फॉर्म बताओ, NO2, अगर हम यूरोट्रोपाइन की रिएक्शन HNO3 से करा देते हैं तो क्या मिल जाता है RDX, RDX क्या होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, या दूसरा नाम रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, तो ध्यान रखना कैसे बनता है ये 6CHO4 अमोनिया, तो पहले ये मिलेगा यूरोट्रोपाइन बोलते हैं इसको यूरोट्रोपाइन, इसके बाद HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो RDX, ये RDX का स्ट्रक्चर हो गया, कर लो नोट RDX की फुल फॉर्म, RDX होता है रिसर्च डेवलपमेंट
एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव होता ही से है लेकिन बोलते ही है। और दूसरा रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, दोनों ही बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और ध्यान रखना अमोनिया की रिएक्शन, इससे लिख लो जरा, शायद दोस्तों मैंने कराई होगी। बेंजल्डिहाइड से अमोनिया की रिएक्शन होती है, अगर बेंजल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट में है तो ये मिलता है NH2H, एक बेंजल्डिहाइड यहां पर, इसके बाद पानी निकाल दो, नोट कर लेना साथ साथ ये, पानी निकाल दो, तो ये जो कंपाउंड मिल गया इसको बोलते हैं बेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड, जो कंपाउंड मिल गया इसको बोलते हैं हाइड्रोबेंजामाइड, लिख लो जरा हाइड्रोबेंजामाइड, ये होता हाइड्रोबेंजामाइड, लिख लेना हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड है ना, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन और अमोनिया की रिएक्शन, नोट कर लो, बेंजल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड मिलेगा हाइड्रोबेंजामाइड बोलेंगे। अमोनिया अमोनिया ऐसे लिखोगे, यहां से पानी निकाल दो, यहां से पानी और यहां से पानी निकाल दो, नोट कर लिया। आगे बताओ 26 पूछना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और डिस्टिलेशन करा रहे हैं, ठीक है, H2SO4, तो भाई ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है यार, इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो तो मैसिटाइलिन बन जाता है, याद करो CH3CS, इसको बोलते हैं मैसिटाइलिन, याद है। 26 क्या बने हैं, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये मैसिटाइलिन बोलते हैं, मैंने फोरन वगैरह सब लिखवाया था तुम्हें। अच्छा 27 विच गिव सिल्वर वेलेंट टेस्ट विद टॉलरेंस एजेंट, है ना, क्या आएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस आएगा 27 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिल्वर मिरर टेस्ट, कौन कौन देते हैं कौन कौन नहीं देते हैं, है ना, याद रखो अच्छे से। 29 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डू नॉट गिव कार्बोनिल कंपाउंड विद, बेटा CO2 से नहीं देगा, 29 तुम लोग पूछ रहे हो मेरे से और पहले कई बार आ चुका है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप CO2 से कराओगे तो R-Mg+ R- जाकर C पर अटैक करेगा, तो CO- डबल बॉन्ड हो R और यहां क्या हो जाएगा MgX, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो RCOH और डबल बॉन्ड हो एसिड बनता है, एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अब RCOCl में बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, बनेगा नहीं बनेगा, RCOCl है, इसकी रिएक्शन RMgX से कराओगे R-NCl को हटा देगा, RCOX बनेगा, फर्दर कराओगे तो क्या मिलेगा, इसके बाद एल्कोहल टर्शियरी एल्कोहल है ना, RCl वाली रिएक्शन भी करा रखी है मैंने तुम्हें, पूरी मैकेनिज्म बता रखी है, RCl प्लस RMgX, याद करो पूरी मैकेनिज्म कराई हुई है, RC डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें भी, है ना। चलो और ये भी बताया था कि इसमें आगे एल्कोहल नहीं बनता है, ठीक है, याद करवाया था आपसे, वीडियो में एक बार चेक करना। तो ये होता है बेटा ओपिनोन ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है देखो, R CHOHR प्लस एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड ले लेते हैं, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड ध्यान रखोगे और साथ में एसीटोन, तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या करता है, सेकेंडरी एल्कोहल ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CO R और ये क्या हो जाता है रिड्यूस RCHOHR, ठीक है, R कर लो इसको, ठीक है, R-R- लिख लो, R-R-, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड में सेकेंडरी एल्कोहल साथ में एसीटोन लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल या एल्कोहल कोई भी, एल्कोहल किस में चला गया, कीटो में चला जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम होता ओपिनोन ऑक्सीडेशन डी पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, NCERT में नहीं दिया हुआ तो मुझे नहीं लगता कि IIT मेडिकल में आएगा ये नाम के साथ, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन KVPY में मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ओपिनोन ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ध्यान रखोगे, हाँ एक इसका रिडक्शन होता है MPB रिडक्शन, इसका उल्टा MPB रिडक्शन, चलो आगे आ जाएगा, इसका रिवर्स MPB रिडक्शन। अच्छा ये चीज बताओ, कोई और जो एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दे
और डबल बॉन्ड को हाथ में लगाए, सिर्फ एलाइलिक एल्कोहल को करे, फोन करता है, याद है? सेलेक्टिव रिडक्शन MnO2, सही है, याद है MnO2, ठीक है। चलो 31, 32 हो गया, 32 टेस्ट में भी आ चुका है पहले, 34 बताना है, ठीक है 34 बताता हूँ। 34 सुन लो भाई, 34 देखो, ये जो रिएजेंट है ना KHSO4, ये है बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट KHSO4, और कोई रिअरेंजमेंट नहीं करता है इसमें। डायरेक्ट ऐसे पानी निकालो, इधर यहां से पानी निकालो, पानी निकालो, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CHOH, ये बनेगा। अब ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, इसको बोलते हैं क्रोटोनोएल्डिहाइड। KHSO4 हीट करो विदाउट रीअरेंजमेंट, ये पानी को निकाल देता है, यहां से H2 ये OH, यहां से HH2, ये बनेगा इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट होगी, ये बनेगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं देखो, ए एल्युमिनियम टर्शियरी ऑक्साइड C2H5O का होल थ्राइस Al, पता है कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन, इससे टिशेंको, बिल्कुल सही है रितेश। आगे क्या होगा, टिशेंको, टिशेंको में क्या होता है, एक बार ऑक्सीडेशन करा दो इसका, एक बार रिडक्शन, एक बार एसिड, एक बार एल्कोहल, फिर आपस में क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, एक ही बच्चे ने बताया, और ये मैंने क्लास में कराई है टिशेंको, मॉडर्न कैनिजारो बोलते हैं इसको, मॉडर्न कैनिजारो। ठीक है, ये होती है मॉडर्न कैनिजारो टिशेंको रिएक्शन। ठीक है, हो गया साक्षी। 31 में रिएजेंट कैसे लिखेंगे, 31 में रिएजेंट, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है यार, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल ओ सी सी सी, इसका होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये होता है, ठीक है, और ये एल्युमिनियम इथॉक्साइड है, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है, 32 LiH4 NaBH4, NaBH4 बेटा CO को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, और BH3 H2H+ ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, और C डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, दोनों को रिड्यूस कर देता है, इसलिए C पार्ट होगा। नेक्स्ट कौन सा पूछना है, अप टू 38 कोई पूछना है, 38 पूछना, 38 से पहले सारे हो गए। साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लैक्टिक एसिड, चलो 33, साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, बेटा देख CH3CHO है, अगर इसकी रिएक्शन HCN से कराओगे तो क्या होता है, वो साइनोहाइड्रिन होता है, अब CN की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, CN की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है। पता है आपको प्योर HCN रिएक्ट नहीं करता, याद है, प्योर HCN रिएक्ट नहीं करता कार्बोनिल कंपाउंड से, है ना, रीजन बताओ जरा, लिखो जरा चैट बॉक्स में, रीजन लिखो चैट बॉक्स में क्यों नहीं करता है। बेस के साथ लेते हैं क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड है ना, न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलता है, ठीक है भाई, सारे बताया। नेक्स्ट 38 बताना है ना, उससे पहले सारे हो गए 38, चलो 38 देखो, हो गए 38, एन एल्कीन ए है, करो मेरे साथ साथ 38 क्वेश्चन, एन एल्कीन ए, देखो कभी भी बड़ा क्वेश्चन आया, बोर्ड में भी आ सकता है, मेडिकल आईडी में भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, बहुत इजी होते हैं, बस अच्छे से पढ़ना है, लिखते जाना है। ए है ये, इसकी ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो बन रहा है बी, बी है C8H8O, बी आल्सो ऑप्टेन्ड बाय, बी कहां से और मिल रहा है, ऑप्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ साइनोबेंजीन, रिएक्शन ऑफ साइनोबेंजीन और CH3MgBr से मिल रहा है। लो भाई तुरंत मालूम चल गया कि बी क्या होगा, बी तो ये हो गया, कितना आसान क्वेश्चन निकल गया, है ना, CH3MgBr से इसकी रिएक्शन कराओ तो CH3- यहां अटैक करेगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करो तो कीटोन नहीं आ जाता है, तो बी मालूम चल गया आपको, जब बी मालूम चल गया तो ये भी मालूम चल गया, ए तो
तो ये क्या मिलेगा, ये लोगों को बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, इससे आसान क्या हो सकता है, सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच थ्री, और ये ए हो गया, ये है ना, ये क्यों ए भी आ गया बी भी आ गया, अब क्या निकालना है, यस अब हमें निकालना है ए टेंसो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल सही बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ए, है ना, ये अलग अलग है, ऐसे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सी एच थ्री और यहाँ सी एच थ्री और ये बेंजीन ट्रांस बन गया और इसका सिस भी बन सकता है, तो ए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा एंड डिक्लोराइज बीआर टू वाटर, बीआर टू वाटर भी डिक्लोराइज करेगा क्योंकि क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है। बी ऑन ट्रीटमेंट विद एसईओ टू प्रोड्यूस सी, भैया SiO2 से रिएक्शन कराओगे B का तो क्या बनेगा, अभी अभी पढ़ लिया तुमने, ये CO ये CHO बन जाएगा, ठीक है, देखो ये बन गया, ये C बन गया। अब 38 विच इज नॉट करेक्ट अबाउट A, A इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, करेक्ट है, A ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ट्रांसफॉर्म A प्रोड्यूस एसिड मिक्सचर, भाई ट्रांस की रिएक्शन आप हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ट्रांस से क्या मिलता है, सिन एडिशन होता है, तो रेसिमिक ही मिलेगा, सही है, ट्रांस से नहीं, ट्रांस से रेसिमिक ही मिलेगा और सिस से मीजो मिलेगा क्योंकि आप हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो और H2 का एडिशन क्या होता है, सिन एडिशन होता है, तो बेटा H2 का एडिशन सिन एडिशन होता है, तो सिन एडिशन में क्या होता है, सिस से क्या मिलता है मीजो और ट्रांस से क्या मिलता है रेसिमिक, ठीक है। हाँ, अगर एंटी एडिशन होता है Br2 का तो सिस से क्या मिलता है रेसिमिक कार, है ना, रेसिमिक, और ट्रांस से क्या मिलता है मीजो, तो याद रहना चाहिए यार ये सर। सी पार्ट, ए कैन बी प्रिपेयर्ड बाई बिटिंग रिएक्शन ऑन एसिटोफिनोन विद, देखो बिटिंग रिएक्शन ए कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एसिटोफिनोन, डालो सी एच थ्री सी ओ बनाओ, बिटिंग रिएक्शन बता देता हूं पर सिलेबस में है नहीं यार ये, पता नहीं क्यों दे रखी है इसमें, प्लस पी ये पी एच थ्री है डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री और पी एच है। अब देखो बिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली ये ऐसे इसको निकाल दो, ठीक है, जो बचा देखो यही तो बच गया ए पार्ट और निकल क्या गया पीओ पी एच और पी एच, है ना, ये निकाल दिया, इनको जोड़ दो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ए बन जाएगा, ठीक है, सी भी सही है। डी पार्ट, ऑन ट्रीटमेंट विद पर एसिड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए प्रोड्यूस एसिड मिक्सचर, ये गलत है, क्या मिलेगा मीजो मिलेगा क्योंकि एंटी एडिशन होता है, क्लियर है, बहुत ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन को करोगे नोट्स पढ़ने के बाद सारे हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। 39 विच इज नॉट करेक्ट अबाउट बी, चलो बी आ जाओ, बी है इट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो देगा भाई ये तो आइडोफॉर्म, सीओ के बगल में सी एच थ्री है सी एच आई थ्री मिलेगा। बी पार्ट, On treatment with LiLH4, it produces a compound which also respond to hydroform. बिल्कुल सही बात है। जब इसका LiLH4 से रिएक्शन कराओगे, तो क्या मिल गया अल्कोहल। तो बताया था आपको CHOH के बगल में भी क्या होना चाहिए CH3। पूरी मैकेनिज्म कराई है इसकी मैंने। It gives Tollens test, ये गलत बात है। Tollens test नहीं देगा, क्योंकि क्या है एक कीटोन है। Tollens test देते हैं एल्डिहाइड, एसिड में सिर्फ क्या देता है फॉर्मिक एसिड, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें भी ध्यान रखना है आपको, सिल्वर ग्रेड पूछ रहा है या व्हाइट पीपीटी पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखोगे। चलो डी पार्ट, ऑन ट्रीटमेंट विद NH2NH2E2 ये बात भी सही है ना, और इसकी रिएक्शन आप वॉल पिस्टन रिडक्शन कराओगे तो इथाइल बेंजीन मिलेगा। 40 हो गया, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सी, ऑन ट्रीटमेंट विद NaBH4 इट प्रोड्यूस अ डायोल, सी सही है डायोल देगा, ये सी है। ऑन ट्रीटमेंट विद OH- फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इट प्रोड्यूस द ऑप्टिकली एक्टिव एसिड, देखो बेटा ये अगर आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो कौन सी रिएक्शन देगा बताओ जरा, सी की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो कौन सी रिएक्शन देगा बताओ, कैनी जा रो, बिल्कुल सही है, है ना, कैनी जा रो, कौन सी कैनी जा रो, इंट्रामोलिकुलर कैनी जा रो, अंदर वाले का रिडक्शन और बाहर वाले का ऑक्सीडेशन, और ये ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, कायरल मिल रहा है, ये है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, बिल्कुल सही है, हमने करी हुई है ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है।
तो आंसर इसका 39 का नॉट करेक्ट। देखो ये बहुत गलती होती है नॉट करेक्ट करेक्ट में, कभी भी आसान प्रश्न गलत नहीं करना, गलत पड़ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है ना, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो किससे, टोलुएन से कर दो। लुकास क्या करता है, लुकास तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को आयोडोफॉर्म दोनों देगा, NaCl दोनों देगा। 42 हो गया, 43 बेटा 43 क्या है, ओपिनर ऑक्सीडेशन है, पहले पढ़ा हुआ है। 43 क्या है, ओपिनर ऑक्सीडेशन है ना, OH को O में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपिनर ऑक्सीडेशन है ठीक है। 42 यार Br2 वाटर होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है CHO को, ये है CHOH का होल फॉर CH2H है ना, ये ग्लूकोज है तो Br2 वाटर क्या करेगा, ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, ग्लूकोज का ग्लूकैरिक एसिड बना देता है, इसको बोलते हैं सॉरी ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन आप Br2 वाटर से कराओगे, Br2 वाटर होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, CHO को CH में कन्वर्ट करेगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसकी रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हो HNO3 से, तो क्या करेगा, ये ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करेगा CHOH का होल फोर, और नीचे वाले को भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको बोलेंगे ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड या सैक्रिक एसिड बोलते हैं, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे आप ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 वाटर तो CHO को ऑक्सीडाइज करेगा सर। अच्छे बताओ अगर मैं इसकी रिएक्शन H2Ni से करा दूं, या छोड़ो रेड फॉस्फोरस प्लस HI से करा दूं तो क्या बनेगा, बताना जरा। ग्लूकोज रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI से कराऊं तो क्या बनेगा, सबको पता है एनहेक्सेन बनेगा, बिल्कुल सही है एनहेक्सेन बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। हमने बहुत डिटेल में कर लिए सारे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, पर आप ध्यान देना साथ साथ जरूर करते रहना, कुछ लोगों ने साथ साथ एमएस शॉन निपटा दी पूरी की पूरी। चलो नेक्स्ट 44 से 49 तक कोई पूछना है, 48 पूछना है ठीक है, 48 बताया तुम, 47 भी पूछना है। अच्छा देखो पूरे देख लो, ये कंपाउंड सी CIA CF3 CO CH3 का होल साइज वॉज प्रिपेयर्ड इन अ 3 स्टेप फ्रॉम मिथाइल ट्राइफ्लोरोएसिटेट, मिथाइल ट्राइफ्लोरोएसिटेट ये है CF3 CO O CH2 CH3 द फर्स्ट स्टेप इन अ सीक्वेंस इन्वॉल्व ट्रीटिंग मिथाइल फ्लोरोएसिटेट विद अमोनिया, अमोनिया क्या बना देगा इसको CF3CONH2 प्लस CH3CH2OH निकल जाएगा, ये बना ठीक है। ए ऑन ट्रीटमेंट विद रिएजेंट एक्स, ये ए बन गया ठीक है CF3CONH2। देखो ध्यान दो, ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्स अलोंग विद जेंटल हीटिंग प्रोड्यूस अ कंपाउंड बी विच ऑन हाइड्रोलिसिस कैन प्रोड्यूस एन एसिड, तो सिंपल बात है ये होगा CH3CN क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ तो एसिड। अब इसको ही किसने बनाया, P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दो, P2O5 क्या होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, H2O निकाल देगा और ये बन जाएगा है ना CH3CN, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा एसिड बनेगा, तो ये कंपाउंड बी हो गया भाई। अब आगे बी ऑन ट्रीटमेंट विद ऑर्गेनोमेटेलिक वाई फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस सी, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे होंगे और सी बन रहा होगा तो अल्कोहल बन रहा होगा। चलो देखते हैं आगे, ए क्या हो गया सही है ये आगे ए कर लिया होगा ना, और बी क्या हो गया CH3CN ठीक है, एक्स क्या हो गया P4O10 P4O10 P4 P2O5 या P4O10 एक ही बात है बेटा,
दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। इसके बाद सी इज ट्रीटेड विद परबेंजोइक एसिड, सी इज ट्रीटेड विद परबेंजोइक एसिड। तो जो सी है देखो सी क्या बनेगा, सी है ये CH3, 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 ये सी है। अगर इसकी रिएक्शन आप पर एसिड से कराते हो किसी से भी C6H5C OH, तो कौन सी रिएक्शन है बताओ जरा। अगर हम इस कीटोन की रिएक्शन, हाँ बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, गुड। तो ये कहां पर ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, प्राइमरी वाले की तरफ या टर्शियरी वाले की तरफ, कहां पर होगा? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होता है, टर्शियरी वाले का ज्यादा होता है। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, 3 डिग्री, गुड। ओके अब बताओ 49, 50, 51 कौन सा पूछना है, 50, चलो 50 करा रहा, 50 क्वेश्चन देखो, आप लोग 50 पूछ रहे हो, 50 देखो। ये CO है, ClOCH3, थोड़ा दिमाग लगाना होता, कुछ नहीं, R माइनस है बेस, तो बेस क्या करेगा बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, CO के बगल में यह हाइड्रोजन एसिडिक है, यहां माइनस आएगा, H प्लस हटेगा यहां से, यहां माइनस आएगा, P by D by बॉन्डिंग से डिस्टेबलाइज होगा और माइनस चार्ज सीओ के साथ रेजोनेंस में भी जाएगा, क्लियर है। अब ये सी माइनस यहां पर अटैक करेगा, अटैक करा दो जरा, ये ओ माइनस बन गया, ये सीएल सीओ सीएच थ्री, ठीक है। अब देखो ओ माइनस क्या करेगा, सीएल को हटा देगा, ओ माइनस सीएल को हटा देगा, सीएल हटा यहां से और ये रिंग आ गई, रिंग आ गई, ठीक है, हो गया भाई, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 बोलो, आ गया परीक्षित, कहना रिपीट कर दो, अरे यार आरओ माइनस आयन क्या करेगा, देख इस हाइड्रोजन को हटाएगा, सीओ के बगल में कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इसको हटा लिया माइनस, अभी निकली फाइल जाकर यहाँ अटैक कर देगा, इसने यहाँ अटैक कर दिया तो ये ओ माइनस था, ये सीएल था, अभी निकली फाइल है, लीविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड बनाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगी, रिंग बन जाएगी, ठीक है। चलो 51, 52, 53 कौन सा पूछना है, हो गए सारे, लिखो तो बताऊंगा कौन सा पूछना, ऑल डन, गुड, सारे हो गए। अब आ जाओ एक्सरसाइज सेकंड में, मोर देन वन है, इसमें अच्छी क्लैरिटी होती है, 1 से लेकर 7 तक कौन सा पूछ रहा है, एक्सरसाइज सेकंड में 1 से 7 तक सेकंड पूछना है, परीक्षित वाले सेकंड बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। देखो ए पार्ट तो ओजोनोलिसिस है, कीटोन बनेगा, सेकंड रिएक्शन ध्यान रख लो, लिख लो चाहे सेकंड नोट्स में नोट कर लेना, सेकंड रिएक्शन सीओ, इसको वॉकर प्रोसेस बोलते हैं, सीओ टू सीओ का होलेट, ये क्या बना लेता है एल्डिहाइड, ये भी बनेगा, वैसे मार्क वन भी रूल के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड का एडिशन करना, तो प्लस CH3 CH2 CH2 CH, जो दोनों बनते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन और ये ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, अगर एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, CHO का एडिशन होता है, ठीक है, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, CHO का एडिशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं वॉकर रिएक्शन, मैंने तुम्हें कराई नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है वॉकर रिएक्शन, देखो असाइनमेंट का किसी बुक करने का बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, वॉकर रिएक्शन बोलते हैं, वॉकर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एल्कीन से CO H2O ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, मन की रत बोल रही है कि क्वेश्चन में कराया हुआ है, ठीक है। देखो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो सारा सारी रीजेंट पता ही है, हाँ DPP के हैं मोस्टली क्वेश्चन, हो गए बेटा 1 से 7 तक हो गए सारे, हो गए 8 to 15 हो गए सारे, अच्छा 11 बताना है, नोबल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कोई बेस, बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, होती क्या है ये बता देता हूं तुम्हें, देखो वैसे आसान है, अगर नाम से नहीं आएगी तो आप आराम से कर लोगे, नोबल रिएक्शन देख लो, ये क्या होती है,
कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, सुन लेना ध्यान से, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसी ऐसे से जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, जैसे ये है, दो COH के बीच में CH2 है, तो यहां से पानी निकाल दो, पानी निकालने के बाद जो भी कंपाउंड आ गया, ये आ गया CH3 डबल बॉन्ड C COH और COH, पर एक कार्बन पर दो CH नहीं टिकते, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो ये आ जाएगा COH। ये नोवल जल रिएक्शन है, ये बेस की प्रेजेंस में कैटलाइज होती है। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड और ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, तो बस यहां से तुम पानी निकाल दो, ये बन गया, एक कार्बन पर दो COH है तो हीट करने पे क्या होता है, CO2 निकल जाता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई, पर इसे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है नोवल जल रिएक्शन को। और बताओ कौन सा पूछना है इसमें, हो गए सारे एक्सरसाइज सेकंड के, सारे हो गए, सब हो गए, 15 बताना है, 15। देखो 15 रिएक्शन जो है बेटा, ये है बिटिंग रिएक्शन, बिटिंग बिटिंग रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये है CH3CH2Cl, अगर इसकी रिएक्शन आप PH3P से कराओगे, देखो P पे लोन पे रही Cl को हटा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो बनेगा CH3CH2 और ये PH और PH, ठीक है, यहाँ माइनस ये प्लस ये आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन BuLi से कराते हो, अभी CH2 रहने दो, BuLi से कराते हो, समझ लो, देखो इसकी रिएक्शन आप BuLi, तो Bu माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, तो CH3CH माइनस और P, PH, PH और PH, ये आ जाएगा, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, H को हटा देगा और ये P-D-pi बॉन्डिंग, तो ये P-D-pi बॉन्डिंग होगी ना, इसके अंदर D ऑर्बिटल खाली है, तो यहां पर डबल बॉन्ड भी लगा लो तुम, CH3CH डबल बॉन्ड P, PH, PH और PH। अब इसके बाद इसकी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करा दो, ठीक है, इसकी आप कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करा दो, ये ले लिया हमने CH3 डबल बॉन्ड हो, बस क्या होगा, ये यहां से ऐसे, पहले बताया था मैंने, ये निकल गया, इसके साथ ये चिपका दो, तो ये एल्कीन बनाने का मेथड है, CH3 प्लस P डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे PH, बहुत आसान रिएक्शन है, दोबारा देख लो, ये क्लोराइड का, ये न्यूक्लियोफाइल है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसने Cl को हटा दिया, ये बन गया, अब ये BuLi, Bu- स्ट्रॉन्ग बेस होता है, P के बगल में कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हटा देगा ये, क्योंकि P-D-pi बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा यलाइड, P-D-pi बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है, यलाइड बोलते हैं, यलाइड, YLID, इस रिएक्शन का नाम होता है विटिंग रिएक्शन, WIWTING विटिंग रिएक्शन, समझे कैसे हो रहा है, ये वाला यलाइड, अब यलाइड की रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से करा दो, इससे कराओगे तो ये निकलेगा ऐसे, है ना, यहाँ वो आ जाएगा और डबल बॉन्ड को चिपकाओ, एल्कीन बन जाएगी, क्लियर है। और कौन सा पूछना है, 15 से 25 तक कौन सा पूछना है, 15 से 25, 7 और 11 बोल रहे हैं आप लोग, 7 में क्या रखा है, 7 है, देखो बेटा एक्स क्या बनेगा, ऑक्साइन PCl पाइप के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा, बैकमैन रिअरेंजमेंट दोनों बनेंगे, ए और बी दोनों, 16 स्टेबल होता है, देखो पहले वाला कहने का मतलब समझो, जिसके अंदर OH भी हो और कार्बोनिल कंपाउंड भी हो तो वो स्टेबल हेमिकिटल अपने आप बना लेगा, समझे मनकीरत, स्टेबल हेमिकिटल अपने आप बना लेगा जिसके अंदर OH भी हो कार्बोनिल कंपाउंड भी हो, तो BCD में OH भी है कार्बोनिल कंपाउंड भी है। 20 एसीटोन गिव एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, बेटा एसीटोन की रिएक्शन आप अमोनिया से कराते थे,
या एनएच टू ओएच से कराते थे या एच टू एस से कराओ या एलाइड से कराओ, ये सारी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। हाँ, अमोनिया से, हाइड्रोक्सिल अमीन से, अमोनिया से जैसे ऐसे एच टू एस से, है ना, और एलाइड से भी वही है जो भी कराइए, विटिंग रिएक्शन। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक कौन सा पूछना है, 22 पूछना है। आर्यन इसमें कुछ नहीं रखा बेटा, इट हैज फोर फंक्शनल ग्रुप, देखिए एक एस्टर है, एक अमाइड है, एक एनएच टू अमाइन और एक सीओएच है, फंक्शनल ग्रुप फोर है, दूसरा इट हैज थ्री नहीं, फोर फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमीनो एसिड मिलेंगे, ये लाइट क्या होता है सर, ये लाइट बेटा भी लिखा है मैंने CH3CH2 डबल बॉन्ड PPH PH PH, इसको बोलते हैं ये लाइट, है ना, अभी भी नहीं बनाया था, कैसे बनाया था ये CH3CH2X+PH PH और PH, इससे रिएक्शन करा दी थी, फिर BuLi से रिएक्शन करा दी थी, ठीक है ना। चलो हो गए सारे आगे, 21 बता दो, 21 विच ऑफ द फॉलोइंग विल सॉल्व इन सोडियम बाइकार्बोनेट, बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल सारे एसिड होते हैं जिनका एसिडिक करैक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है, तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, लेकिन फिनोल का ये तो सॉल्युबल नहीं होता डेरिवेटिव, लेकिन ये पैरा वाला होता है और दो आएंगे, दोनों चाहे ऑर्थो पर हो ये भी सॉल्युबल होगा, ऑर्थो वाला नहीं होता और ये भी सॉल्युबल होगा और OH तीनों पे NO2 लगा होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होते हैं, फिनोल के यही डेरिवेटिव हैं जो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फिनोल नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, एक होता है स्क्वेरिक एसिड, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल हो जाता है, आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। 21 रिपीट कर रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 कौन निकालेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सॉल्युबल होगा जिसका एसिडिक करैक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है, देखो इनका एसिडिक करैक्टर H2CO3 से कम, इसका भी कम, या अल्कोहल इनका भी कम होता है, लेकिन अगर हम पैरा पैरों को लगा देंगे दोनों ऑर्थो पर या ऑर्थो पैरा पर या तीनों पर, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 का निकाल देते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और एसिड तो सारे होने हैं, CuHSO3H तो सब होनी है, ठीक है, हो गए सारे। चलो अब तुम एक्सरसाइज थर्ड अगले वीक में मुझे सॉल्व करके भेजोगे सारे के सारे, सब्जेक्टिव है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करना कंपलसरी है, थर्ड एक्सरसाइज जिसे करनी हो आप लोग पूरी सॉल्व करके नेक्स्ट वीक सेंड करोगे मुझे, और एक्सरसाइज फोर्थ ए और फोर्थ बी तो करनी है, IIT माय में सबको करने हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही।